ऊपर मुझमें लखपुशाई की जिसारत नहीं मेरे सामने इतने मोहतबर मेरे उस्ताद बाकी साहब मोहतरम शख्सियत और जितनी खूबसूरत बातें यहाँ की जा रही हैं और जितने खूबसूरत कलाम पेश किए जा रहे हैं मैं बहुत ऑनर और ब्लेस्ड फील कर रही हूँ अपने आप को इस इवेंट का हिस्सा समझते हुए। तो पहले तो जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है उनको अल्लाह इसका अजर अता फरमाए और इस चीज़ को इंसान जो भी अमल इस दुनिया के अंदर करता है बुनियादी तौर पे वो उसकी आखिरत की जमा पूंजी होती है। सो इतनी खूबसूरत बातें सुबह से की गई तो अगर हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है उसमें मुझ जैसी गुनहगार बंदी क्या लखपुशाई की जसारत करें। वो शाहिद व आलम हैं और हम खाकसार उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। बस इतना है कि हम हर साल ईद मिलादुल नबी मनाते ज़रूर हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन नबी का दिन है क्योंकि उन्होंने जो हमें ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाया है जो ज़िंदगी की खूबसूरती से हमें आशना कराया है और हमें तो हर रोज़ इस शर्फ के साथ इस खुशी के साथ इस अज़्म और इज़्ज़त के साथ जीना चाहिए कि हम किस नबी के उम्मती हैं। तो मैं कहती हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम मुसलमान होने के नाते जब हम कहते हैं लफ्ज़ मुसलमान लफ्ज़ उम्मती उम्मती किस के उम्मती उस शख्स के उस हस्ती के उम्मती जिसने पूरी कायनात को जीने का सलीका सिखाया। तो मैं तो कहूँ कि अगर हम बहुत सारी नेकी बदी गुनाह जहन्नम दोज़ख इन सारी बातों से वालाताक अगर एक चीज़ को सिर्फ रख कर एक लम्हे के लिए अगर एक ये ख्याल करें कि हमारा जो रोज़मर्रा का उठने से लेके सोना तक बोलने से लेके चलना तक हम जिस शख्स की नस्बत से जिस हस्ती की नस्बत से खुद को जोड़ते हैं हमें हया आनी चाहिए हर वो अमल करते हुए जिसके लिए उन्होंने मना किया और हमें फ़ख्र होना चाहिए हर वो अमल करते हुए जिसके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तंबीह की। तो इस जुमले के अंदर मैं क्या जसारत करूँ इतनी खूबसूरत बातें आपसे पहले जो आपके टीचर नमाज के बारे में कर रहे थे बहुत बुनियादी बुनियादी बातें मैं तो अक्सर कहती हूँ कि हमसे ज़्यादा मुसलमानों से ज़्यादा कोई और खुशनसीब शख्स आपकी खुशनसीबी इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है कि आप किसी मुसलमान के घर में रहें। आपकी खुशनसीबी का जो दौर है वो वहीं से शुरू हो गया कि आपने एक मुसलमान के घर में आपकी पैदाइश हुई। अल्लाह ने पैदा होते ही हमें साहिब ईमान किया फिर साहिब ईमान के साथ हम पर ये बुनियादी चीज़ वाजिब है कि हम साहिब अमल हो जाएं। तो इतना मुश्किल नहीं है इस्लाम की प्रैक्टिस करना या बीइंग अ मुस्लिम प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। अल्लाह ने इस कदर आसानी मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप जब अपनी ज़िंदगी पे निगाह दोहराएं तो मेरे परवरदिगार ने इतनी आसानी हम गुनहगारों के लिए इतना करम उसका हम गुनहगारों के लिए हम पर हमारे गुनाहों के सबब उसने ना अपने सूरज को निकलने से मना किया ना अपने चाँद को निकलने से मना किया हमें रिस्क की फरावानी हमें सेहत और कामयाबियों की फरावानी। तो अगर हम अपने आप को एक नज़र अपनी शख्सियत को दोहरा के देखें तो हमारा लम्हा लम्हा हमारे जिस्म का एक एक ज़र्रा एक एक कतरा शायद उस हस्ती की उस रब की नाफरमानियों के अंदर गुजर रहा है लेकिन फिर भी मेरा रब अपना रहम और करम हमसे नहीं खो रहा। तो मैं क्या लखपुशाई की जसारत करूँ मैं सिर्फ इतनी हिदायत और नसीहत शायद कर सकती हूँ कि जिस कदर खूबसूरत मजहब के मालिक हैं हम जिस कदर खूबसूरत शख्सी और हस्ती के पैरोकार हैं हम उसने हमें इंसानियत का दर्स दिया हमें दूसरों के गम में शामिल होने का दर्स दिया। मैं अगर अपने काम जैसे कि मेरे भाई कह रहे थे कि मैं एजुकेशनिस्ट और सोशल वर्कर हूँ मैं कुछ नहीं हूँ मैं सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक बात है ना उनकी जब आप ज़िंदगी को जब पढ़ा अल्लाह ने जिस कदर इल्म अता किया जब उनको पढ़ा उनके अस्हाब उनके दोस्त उनके रफीक जब उनकी ज़िंदगियों को पढ़ा तो उनकी ज़िंदगी में सिर्फ देना था और देना इतनी खूबसूरत चीज़ है एक इतनी खूबसूरत आदत है कि जो कहते हैं कि जब आप बांट के खाते हैं तो बांट के खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता छीन के खाने वाले का
हमेशा है, सारी जिंदगी पूरा नहीं होता। तो अल्लाह ने आपको जितना भी नवाजा है, अगर एक रोटी जितनी भी हैसियत रखी है, और अगर आपको ये जज्बा अता किया है कि आप उसको भी आधा करके किसी और के साथ बांट सकते हैं, तो आप इस सरजमीन के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। और यकीन माने, जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मैं अपनी 30-32 साल ज़िंदगी का जितना भी जायज़ा लेती हूँ, जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, आप देखते हैं कि वक्त के शाह गदा हो गए। जो किसी ज़माने में बज़्म महफिल के अव्वल और आखिर हर्फ थे, वो उन लोगों को लोग फरामोश कर गए। तो लोग मटीरियलिस्ट चीज़ों को कभी याद नहीं रखते। आपकी दौलत, आपका पैसा, आपका स्टेटस, आपकी शान, आपकी शौकत, हर चीज़ ने इस दुनिया फ़ानी में रह जाना है। जो पीछे आप छोड़ के जाने वाले हैं, वो है आपकी रहमदिली, आपका देना, आपका हुस्न अखलाक, जो आप पीछे छोड़ के जाएंगे। लोग ये याद नहीं रखेंगे कि आपके पास किस कदर खूबसूरत गाड़ी थी, आप कितने खूबसूरत मकान में रहते थे। लोग हमेशा याद रखेंगे कितना नफीस इंसान था, कितना मीठा बोलता था, कितना दूसरों की इज्जत करता था, कितना अपनी रोटी से आधा दे के दूसरों को बांटता था। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी बातें जिसकी मैं हिदायत और नसीहत कर रही हूँ, ये सब मेरे नबी की ज़िंदगी है, ये सब मेरे नबी की ज़िंदगी है, जिसकी मुट्ठी में दोनों जहान थे, लेकिन फिर भी वो पेट पे पत्थर बांधते थे। जो पूरे आलम के रहमतुल आलमीन थे, लेकिन फिर भी लोगों को माफ़ करने का जज्बा सिखाते थे। तो हम एक नज़र खुद को सिर्फ ये देख के ये तसव्वुर करें, हम किस के उम्मती खुद को कहते हैं, फिर क्या हमारा अमल, हमारी ज़िंदगी का अमल हमारे किरदार के साथ, और फिर अगर हम खुद को उम्मती कहते हैं, तो क्या फिर क्या हमारा अमल हमारे किरदार के साथ मैच करता है? अगर नहीं करता, तो किसी और को हमें जज करने की ज़रूरत नहीं, हम खुद को खुद कर लें। और आज के दिन से ये नियत करें कि ये साल में एक दफ़ा मीलादुन्नबी नहीं, रोज़ मनाएं, रोज़ अपने नबी की सुन्नत को हम ज़िंदा करें, रोज़ उनकी खूबसूरत बातों को हम ज़िंदा करें। तो उम्मीद है और दुआ है कि आप माशाल्लाह नौजवान बच्चे हैं, आने वाले वक्तों के अंदर अपने घरों के अमीर होंगे, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आप नबी की सुन्नत को ऐसे ही ज़िंदा जारी और सारी रखेंगे, और ऐसे ही मोहब्बत का, रहम दिली का, इंसानियत के दर्स को आम करेंगे। चूँकि आप ज़िंदगी में किसी मकाम पर ला महाला किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई तालिब इल्म कम नंबरों से, कोई बहुत होशियार हो के कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। ज़िंदगी किसी न किसी का बेड़ा कहीं ना कहीं लगा ही देती है, लेकिन ज़िंदगी आपका बेड़ा अगर आपको इन लफ्ज़ों के साथ लगाए कि किस कदर नफीस इंसान था, किस कदर रहमदिल इंसान था, तो इन सोचों के साथ लगाए तो क्या ही खूबसूरत बात होगी। जज़ाकअल्लाह खैर। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल की और मिडवाइफ स्कूल की बहुत मशहूर हूँ, और मैं बहुत ऑनर एंड ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ बुलाया। विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपके आने वाले जो भी ज़िंदगी के एडवेंचर्स होंगे, उसमें अल्लाह आप सबको कामयाबी और कामरानी अता करे। Thank you.
सारी मखलूकात को पैदा फरमाया और अपनी तमाम मखलूकात में इंसान को फजीलत अता फरमाई, शर्फ अता फरमाया, बुजुर्गी अता फरमाई। और कितने इंसान पैदा फरमाए ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन इस इंसान को हिदायत अता फरमाने के लिए, आखरत और दुनिया संवारने के लिए अंबिया और रसूल पैदा फरमाए। और दोनों रास्ते, इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, एक जिस्म एक रूह, दोनों में से एक चीज निकाल दी जाए तो इंसान बेमाने हो जाए। जिस्म अल्लाह तबारक व ताला ने पांच अंसर से पैदा फरमाया, आग, मिट्टी, पानी, हवा, आप उनसे ज्यादा जानते हैं बेहतर। लेकिन रूह अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नूर से पैदा फरमाया, अपने आर्श से पैदा फरमाया। और जब रूह को इंसानी जिस्म में रखा अल्लाह पाक ने, तो एक एप्लीकेशन जनरेट होगी जिसको कहते हैं नफ्स। और जैसे ही रूह निकल जाएगी वो नफ्स मर जाएगा, क्योंकि नफ्स का कोई वजूद आखरत के साथ नहीं है। ये जो रूह है हमारी, ये इस जमीन में किसी चीज को हाथ भी नहीं लगा सकती, पत्ता भी नहीं लगा सकती, वर्क भी नहीं पलट सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। ये इस जिस्म पर भी कोई कंट्रोल नहीं रखती। इस जिस्म पर जो चीज कंट्रोल रखती है वो है एप्लीकेशन, जिसको नफ्स कहते हैं। रूह उस एप्लीकेशन से काम लेती है, जैसे कंप्यूटर से आप काम लेते हो, कंप्यूटर खुद नहीं चलता, आप उसको फीड करते हो। ये रूह जिसका ताल्लुक अल्लाह के अर्श से है, ये अगर स्ट्रांग होती है तो नफ्स इसके ताबे आ जाता है, और अगर ये कमजोर हो जाए तो नफ्स इस पर हावी हो जाए। और अल्लाह पाक ने इंसान को इस दुनिया में क्यों भेजा? अपनी इबादत। फमा खलकुल इंसान वल जिन्न इल्ला लियअबुदून। इबादत, इबादत क्या है? इबादत नमाज पढ़ना इबादत, कुरान पढ़ना इबादत, हज, रोजा, ज़कात इबादत, बहुत सारे इबादत। लेकिन सारी इबादत का जो सरखेल है वो एक है, और वो है अल्लाह पाक की मानना। ये मानना बड़ी मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। अल्लाह ने आग से एक मखलूक पैदा फरमाई, नूरी नारी मखलूक से आप और मैं अजन्ना कहते हैं, उनसे भी अल्लाह ने हुक्म दिया नहीं माना, अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया। नूर से एक मखलूक पैदा की, नूरी मखलूक मलाइका, उनसे भी जब अल्लाह ने कहा मैं एक और मखलूक इंसान मिट्टी से पैदा करता हूं, कहा जमीन को खून से भर देंगे, जमीन को जुल्म से भर देंगे, अल्लाह ने कहा मैं खालिक हूं, मैं ज्यादा बेहतर जानता हूं कि तुम। गलती का एहसास हो गया,
अल्लाह से माफ़ी मांगी, सुभानक ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना। फिर इंसान पैदा फरमाया, इंसान से भी अल्लाह ने यह हुक्म दिया कि ये गंदम मत खाना, इस दरख्त को हाथ मत लगाना। इंसान के रहने के लिए ये जमीन नहीं है, इंसान यहां पर एरिया है। इंसान के रहने के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई और इंसान को वहीं जाना है। जिस बात की वजह से वहां से निकला था, उसी बात की वजह से उसको वहां वापस जाना। वहां से इंसान निकला था बात के ना मानने की वजह से। अल्लाह ने कहा था कि इसको हाथ मत लगाना, इंसान से भूल हो गई, गलती हो गई, और हाथ लगा बैठा, खा बैठा, तो इंसान दुनिया में आ गया। अगर ये माफी ना मांगता इंसान, तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान की हिदायत के लिए कोई रास्ता ना खोलता, ना अपने नबी भेजता, ना अपने रसूल भेजता, ना अपनी किताबें भेजता। अल्लाह तबारक व तआला करीम है। करीम की सिफत क्या? करीम वो है जो बे मांगे देता, करीम वो है जो जरूरत से ज्यादा देता, करीम वो है जो वक्त से पहले देता, और करीम वो है जो जरूरतमंदों को भी देता है और बेजरूरतमंदों को भी देता है। करीम वो है जो कदरदानों को भी देता है और ना कदरों को भी देता है। जैसे अभी गिलानी साहब आपसे कह रहे थे, आधी से ज्यादा दुनिया अल्लाह के साथ शरीक ठहराती है, बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह के वजूद से इनकार करते हैं। उनको खाने में कौन देता है, उनकी जरूरियात कौन पूरी करता है? वही करीम है, वही करीम है हर वक्त। बैतुल्ला में काफिर था, तीन सौ साठ बुत थे, उनमें से एक बुत का नाम था सनम। वो बैठ के वो सारी रात कह रहा था, या सनम, या सनम, या सनम, या सनम। सुबह हो गई, शहर के टाइम, थकन से आंख लग गई, झपकी आ गई, सनम की जगह समर, या समर। अल्लाह पाक ने आज से पुकारा, लब्बैक या अब्दी, हाजिर हूं मेरे बंदे, कह क्या चाहिए, बोल क्या मांग। फरिश्ते ने सवाल किया, या अल्लाह, ये तो बुत को पुकार रहा था, सनम को पुकार रहा था। फरमाया, सनम ने सारी रात जवाब नहीं दिया, बुत क्या जवाब देगा? गलती ही सही, भूल सही, नींद सही, समझ मुझे पुकारा, मैं भी जवाब न दूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे नेक बंदे जब तुझे पुकारते हैं, अल्लाहुम्मा कहते हैं, या अल्लाह कहते हैं, तो कैसे जवाब देता है? कहला, मैं कहता हूँ लब्बैक या अब्दी। फरमाया, गुनाहगार बंदे जब पुकारते हैं, जब गुनाहगार बंदे तुझे पुकारते हैं, कहते हैं अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे मालिक, या इलाहुल आलमीन, या रब कायनात। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, जब मेरे गुनाहगार बंदा मुझे पुकारता है, तो मैं कहता हूँ लब्बैक 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 या अब्दी, हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, हाजिर हूँ तेरे बंदे। तुम्हारे गुनाहगार को एक दफा, तेरे फरमाबरदार बंदे को एक दफा जवाब, और तेरे गुनाहगार बंदों को दो दफा। फरमाया, हाँ, इसलिए कि जो फरमाबरदार हैं उनको कुछ ना कुछ असर अपनी फरमाबरदारी का मौजूद है, लेकिन जो गुनाहगार बंदे उनको तो पूरा तवक्कुल मुझ पर है,
उनके पास कोई अमल नहीं है, इसलिए मैं उनको दो दफा पुकारता हूं। लेकिन शैतान ने कैसा वार किया। आज किसी से कहो, वो कहता है मैं गुनाहगार हूं, मेरी तो अल्लाह सुनता ही नहीं। अल्लाह जितनी गुनाहगारों की सुनता है, इतनी किसी की सुनता ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम अल्लाह से मांगना छोड़ दो तो अल्लाह तुमको खत्म कर, अल्लाह को देना पसंद है, माफ करना पसंद है। इस रूह को क्या सही है और क्या गलत, इसकी जजमेंट, इस सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, और उन अंबिया अलैहिस्सलाम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत दी, शर्फ दिया, बुजुर्गी दी, सरदारी दी। आप अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में कैसे रहना है, ये इस रूह को सिखाया, स्पिरिचुअल रूहानी तालीम और दुनिया के माशरती तालीम, ये दोनों आप अलैहिस्सलाम ने बता दी, और सिर्फ बताई नहीं करके दिखा दी। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया रहमतुल आलमीन, कितने आलम है, यहां आलमीन का लफ्ज है, आलम का नहीं। बहुत सारे महक्कीन इस आलमीन से बहुत सारी अलग अलग तफसीरात की। आमतौर से लोग समझते हैं सिर्फ दो ही आलम है, ये आलम है, वो आलम है, दुनिया है और आखरत है। ऐसा नहीं है। इंसान बुनियादी तौर पर चार आलमों से गुजरता है। एक आलम वो जो दुनिया में आने से पहले उसने वक्त जहां गुजारा, हमें इस वक्त नहीं मालूम क्योंकि वो इस तरफ का डेटा अल्लाह पाक ने लॉक कर दिया, लेकिन वो मौजूद है। अल्लाह पाक ने सारी दुनिया एक ही दिन में बना दी, एक ही दिन में आदम इस्लाम की पुस्त से निकाल के दिखा दी, एक ही दिन। दूसरा आलम मां का पेट, तीसरा आलम असर है, असर रखता है इन आलमों को। आपने देखा छोटा बच्चा होता है, उसको सुला तो क्या करते, कंधे से लगाते, थपकते, नीचे नहीं सो रहा था, थपकते, मारते, थपकते क्या मारते, अच्छा मारते और वो सो जाता, अच्छी बात नहीं है, मारे तो जागना चाहिए ना, मारे तो सो जाता है, क्यों क्यों सो जाता है, बच्चा रो रहा है, बहुत रो रहा है, उसको आप गोद में लेके बिनाएं, टहलना शुरू कर दें, जब आप टहलेंगे वो चुप हो जाएगा, सीने से लगाएंगे आप उसकी कमर को थपकना शुरू करेंगे वो चुप हो जाएगा, क्यों, इसलिए कि उसने 9 महीने, जिसमें से कम आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं तो वैसे ही तालिब इल्म हूं, कम अज कम 7 महीने तो उसने होश के साथ गुजारा है मां के पेट में, और जहां वो था उसके ऊपर मां का दिल था, और दिल करता था धक 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 धक, तो उसको जब वो रोता है, बेचैन होता है, जब आप उसकी कमर पे उसको थपकते हो, गोद में लेके उसको थपकते हो, उसको वो फीलिंग आती है कि वो एक महफूज जगह में था, जब उसका दिल उस पर धक धक करता था उसको वही आवाज आती। कितना इंसान मंसूब मुंसलिक है अपने पुराने अदवार के साथ, बस यही बताना मकसद। हम एक तीसरे आलम में है जो आज मैं और आप हैं, इसके बाद एक आलम है बरज़ख है, फिर एक हशर का आलम है, और फिर आखिरी में जन्नत और जहन्नम। और अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि तमाम के तमाम इंसान जन्नत में जाने वाले बन जाए जहां से निकाले गए थे, लेकिन मसला ही कि वहां जाके तुम लोग फिर गंदम खाना शुरू कर दोगे, बात तो मानोगे नहीं, तो क्या अल्लाह पाक दोबारा दुनिया बनाएंगे,
दोबारा तो नहीं मनाएंगे। इसलिए अल्लाह पाक सिखा रहे हैं कि यहाँ मानना सीखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना सीखो। जो नहीं सीखेगा वो दरमियान में एक दौर आएगा हशर का, वहां पिटाई कोड़े और फरिश्तों से पिटाई लगवा के सिखवा देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक क्रिश्चियन था, उसने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, वो रहमत बना के भेजे गए, आप अलैहिस्सलाम जब दुनिया में थे तो अल्लाह की रहमत बरस रही थी, अल्लाह का नूर बरस रहा था, अल्लाह की हिदायत बरस रही थी। वो वक्त था कि पूरी दुनिया में जहालत थी, घटा टोप अंधेरा था, आप अलैहिस्सलाम की बरकत से सब खत्म हो गया और फिर आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आज इस बात को गए हुए 1400 साल हो गए, 1450 साल हो गए, दौर बदल गया, वक्त बदल गया, जमाना बदल गया, सोच बदल गई, रहन सहन बदल गए, तरीके बदल गए। अब वो ना तरीके हैं, ना वो सोच है, ना वो रहन सहन है, अब सब कुछ भी नहीं है। तब एक नबी और आना चाहिए जो आज के दौर को पूरा कर सके। आज अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, आज इंसान अपने आप को किस तरह सीधे रास्ते पर रखे, आज इंसान इस टेक्निकल दौर में, इस कंप्यूटर दौर में, इस साइंस के दौर में किस तरीके से अपनी जिंदगी को बसर कर सके, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये सिखाने के लिए एक और नबी का आना चाहिए। लेकिन तुम कहते हो कि अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। तो जब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा और वो आखिरी नबी थे जो आके चले गए, और तुम कहते हो कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन हो ही नहीं सके, तो चले गए रहमत लेके अपने साथ, अब कहां से खुदा फरमा गए, उनकी रहमत तो क़यामत तक नहीं गई, अगला नबी कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब है नबियों का जो आना था, रसूलों का जो आना था, उनकी जो तालीमा, तो अल्लाह की रहमत बरसना बंद हो गई, अल्लाह का नूर, अल्लाह की हिदायत आना बंद हो गई। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत को, तो बनाउज बिल्ला मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, बंद कर दिया। वो तो माने रहमत हो गए और तुम कहते हो रहमत तो लिल आलमीन है। इनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा नबी का आना अल्लाह की रहमत है, नबी का आना, रसूल का आना अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत है, नूर है, अल्लाह की बरकतें बरसती हैं। अल्लाहु अकबर। क्या नबी की का जिस्म जो है वो रहमत है अल्लाह की, वो नूर है अल्लाह का, वो हिदायत है अल्लाह की, या नबी का काम रहमत है, नबी का जो पैगाम अल्लाह का लाया वो रहमत है। बेशक नबी का जिस्म भी अल्लाह की रहमत है, नबी का जिस्म भी अल्लाह की हिदायत है, लेकिन जो नबी अल्लाह का जो पैगाम लाया वो पैगाम हिदायत है, वो पैगाम रहमत है। और ये रहमत सबके लिए यकसा है, लेकिन उसके लिए जो उसको ले ले, जो उसको ना ले उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है। जो बात मान ले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको अल्लाह की रहमत मिलेगी, उसको अल्लाह का इनाम मिलेगा, उसको कामयाबी मिलेगी दुनिया में भी और आखिरत में।
एक किताब लिखी गई आज से कोई, मैं अगर मुझे याददाश्त पे जाऊं तो शायद ये 80s की बात है, 1980, तो आज से कुछ 40-45 साल पहले इंग्लैंड में, और कुछ क्रिश्चियन लोगों ने लिखी, मैं खास तौर से मुस्लिम और क्रिश्चियन के से नाम लिया, कि दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन है, सबसे ज्यादा एक नंबर बंदा कौन है। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों का डेटा जमा किया, उस किताब का नाम है दी 100, कभी मौका मिले तो पढ़ना। वो 100 दुनिया के बड़े इंसान, तो उनमें सबसे पहले जो नाम लिखा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि सबसे बड़ा सबसे पहला इंसान जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उन्होंने ये लिखा, ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने तीसरा नंबर दिया, हालांकि वो उनके नबी है, वो हमारे भी नबी है, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी के। और मूसा अलैहिस्सलाम को 8वां 7वां नंबर दिया, तो उनको चर्च ने बुला लिया सारे लोगों को, ये तुमने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम से ऊपर कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा हमने नाम नहीं देखा इनका, हमने ये मुआवजा नहीं किया कि ये हमारे नबी है या उनके नबी है, हमने काम देखा। ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात इतनी ज्यादा नहीं फैली और लोगों को, इंसानों को उससे इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ जितना फायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इंसान को। और ये ऐसा फायदा है कि इसकी एंड नहीं है, हर वक्त गुजरते लम्हे के साथ इसका फायदा आगे बढ़ रहा है, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात कम से कम होती चली जा रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना चाहिए, उनकी सीरत को पढ़ना चाहिए। यकीन करें हम सब इस छत के नीचे बैठे हुए, अगर आपस में गौर करें शायद हम में से गिनती के चंद लोग होंगे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत पढ़ी होगी, कहीं थोड़ी बहुत किताब में या कोई इस्लामियात में कुछ मजमून पढ़ लिया तो पढ़ लिया। अलिफ से ये तक, आपकी पैदाइश से पहले आपकी वफात तक और उसके बाद तक क्या हालात थे, आपने कितनी काविशें की, कितनी मेहनत की, हमें नहीं अंदाजा। इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं। मैं दो बातें कह के अपनी बात खत्म करता हूं। एक बात, जैसे भी मुकर साहब भी फरमा रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में अल्लाह पाक ने नबूवत अता फरमाई, लेकिन आप अलैहिस्सलाम तो रहमतुल्लिलआलमीन हैं, आप अलैहिस्सलाम तो उस्ताद हैं, और आप अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया, बुइस्तु लिमकारिमल अखलाक, मैं इसलिए भेजा गया हूं कि तुम्हारे अखलाक दुरुस्त कर दूं, तुम्हारा किरदार दुरुस्त कर दूं, तुम्हारी सोच सही कर दूं, तुम्हारे अंदाज सही कर दूं, मैं इसलिए भेजा गया हूं। आप अलैहिस्सलाम के वो अखलाक, वो किरदार जो उन्होंने दुनिया में भरत के दिखाए, हम तक प्रैक्टिकली कैसे पहुंचे, आज नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक दुनिया को नबुव्वत से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा देने से पहले, दीन की दावत देने से पहले जो चीज अपने मानने वालों को दी, अपने पैरोकारों को दी, अपने उम्मतियों को दी, वो सच। उम्मती हूं मैं, अपनी बात करता हूं, वापस बात को नहीं कहता, क्या मैं सच बोलता हूं? अगर मैं फिंगर टिप पे गिनूं तो शायद सारा दिन में एक भी सच ना बोलता हूं। और मैं दावा करता हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का।
आपने 40 साल इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद भी सच बोलना सिखाया, अमानत सिखाई। आप अलैहिस्सलाम ने जितनी बातें फरमाई थी क्या वो आज हम में मौजूद है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाए ताना मत दो, क्या हम ताना नहीं देते? आप अलैहिस्सलाम ने गीबत मत करो, क्या हम बगैर गीबत के रहते? मेरी दादी वालदा, दादी मेरी बीमार थी तो हमने वो घर पे एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया। बड़ा अच्छा लड़का था तो वो फिजियोथेरेपी करने के बाद बोलता था बागी साहब आए थोड़ी सी गीबतें कर दी, मेरा पेट बहुत फूला हुआ, मेरे कुछ रिश्तेदार है, तो वो बैठ के गीबतें कर रही है ताकि पेट थोड़ा हल्का हो जाए। तो खवातीन का पेट तो उससे ज्यादा। हम सच हम नहीं बोलते, गीबत हम करते हैं, गाली हम देते हैं, खयानत हम करते हैं, अकरबा को हम तोड़ते हैं। बड़ी अच्छी बात कही है बीजू साहब ने, कही थी, माफ करना मैं नाम भूल गया उनका, बड़ी जबरदस्त बात थी। और वो ये कि अकरबा को जोड़ना है। ये रिश्ते किसने बनाए? अल्लाह ने। ये भाई किसने बनाया? अल्लाह ने। ये बहन किसने बनाई? अल्लाह ने। ये माँ बाप किसने बनाए? अल्लाह ने। एक भी चॉइस नहीं है, ये अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते। हमारा बनाया हुआ एक रिश्ता, हमारा बनाया हुआ एक रिश्ता, हम उसके चक्कर में अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते छोड़ देते। हजरत उमर सानी रजी अल्लाह, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जिनको उमर सानी भी कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि अल्लाह पाक हमसे क्या चाहता है, क्या चाहता है, हम क्या करें दुनिया में, क्या करें? उन्होंने एक आयत पढ़ी, बस अल्लाह ये चाहता है ये करें। إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون। अल्लाह ताला तुमसे क्या चाहता है? तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एहसान का मामला करो, तुम इंसाफ करो, तुम अकरबा को जोड़ो और लोगों को फैसिलिटेट करो। अभी वो बच्चल कह रही चली गई शायद, वो यही कह रही थी ना कि आधी खाते हो आधी देते हो दूसरों के लिए, जो कमाते हो उसमें से देते हो, तुम समझते ही हो कि तुम्हारे हैं, हालांकि वो तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे नहीं है, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा फकत वो है जो तुमने अपने हाथ से किसी को दे दिया या अपने ऊपर खर्च कर दिया, बस जो छोड़ गए वो दूसरे का, अपना नहीं। ये वो खसाइल है, ये जब तक हमारे अंतर नहीं आएंगे हमारी रूह मजबूत नहीं होगी, हमारी रूह मजबूत नहीं होगी, हमारा नफ्स रूह के ताबे नहीं आएगा। देखें रमजान जब नया नया शुरू होता है ना तो क्या जोश होता है, क्या वलवला होता है, हर तरफ रोजा रखने की, नमाज पढ़ने की, पहली जो एक दो दिन की नमाज होती है मस्जिद भी उबल रही होती है, नमाज भी बाहर निकल रही होती है, और माशाल्लाह चौथे दिन से वापस हो जाते हैं, छुट्टी हो गई। क्यों? कि वो जैसे माहौल बनता है रूह हमारी स्ट्रांग हो जाती है और नफ्स उसके ताबे आ जाता है। अगर इस माहौल को आप रखेंगे तो आपकी रूह स्ट्रांग होगी, आपका नफ्स ताबे रहेगा, लेकिन अगर इस माहौल से आप कट जाएंगे, इस माहौल से आप कट जाएंगे तो होगा क्या, आपका नफ्स आपकी रूह पे काबू पा लेगा। वो कभी भी नहीं चाहता कि आपकी रूह अल्लाह से मिल जाए, अर्श से मिल जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ यही सिखाया हमको कि कौन कौन सी खसलतें हैं, आदतें हैं, सिफतें हैं जो हमें अल्लाह से मिला सकती हैं। उन तमाम आदतों को जब तक हम नहीं अपनाएंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात अल्लाह अपने फजल से अता फरमा, हम उम्मती हैं, दावा है हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं,
हम अल्लाह को जानते हैं, मानते नहीं, मानते नहीं, यकीन नहीं है, हमें अल्लाह से डर नहीं है। यकीन करें, एक लम्हे को भी डर नहीं होता अल्लाह से। 24 घंटे में हमें अल्लाह का ख्याल भी नहीं आता, डर तो दूर की बात, ख्याल भी नहीं आता। लेकिन अगर अभी कोई बाहर से बच्चा आके कह दे अंदर एक सांप घुसा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नीचे जितनी बैठी है और जितने टांगे लटका के बैठे, इस सब टांगों पर समझ गए, ये कोई नहीं देखेगा, बताने वाला झूठ बोल सकता है। क्यों? कि सांप का खौफ है, कॉकरोच का खौफ है, अंधेरे का खौफ है, जिन का खौफ है, भूत का खौफ है। अपने फजल और करम से उम्मत पर एहसान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम सब के अंदर इंजेक्ट करते हैं, वरना जो हमारे आमाल है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर नहीं। हम मोहब्बत का भी दावा करते हैं, सिर्फ दावा करते हैं, वो भी नहीं। एक बादशाह गुजरा महमूद, उसका गुलाम था, उसका नाम था अयास। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। अयास बूढ़ा हो गया, तो अब वो बादशाह की खिदमत नहीं होती थी महमूद की, तो उसने अपने बेटे को खिदमत पे लगा दिया बादशाह के साथ, गुलाम। एक दिन अयास चला गया अपने घर, आराम करता था, बूढ़ा था, आ नहीं सकता था, रिटायर्ड। एक दिन वो बादशाह से मिलने आया, बैठा हुआ था कि उसका बेटा भी आ गया, और बादशाह ने, महमूद ने उसे कहा अयास के बेटे, लोटे में पानी भर के दे दे, मैं वजू करूं। अयास को बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा गम लगा, दुख हुआ कि महमूद ने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, इसको अयास का बेटा कहा। इसका मतलब है बादशाह मेरे बेटे से खुश नहीं, मेरा बेटा उसकी अच्छी खिदमत नहीं कर रहा, उसकी बात नहीं मान रहा, इसीलिए बादशाह को गुस्सा है। अब यह सोचते ही अयास को और गुस्सा आना शुरू हो गया अपने बेटे के ऊपर। जब बादशाह ने वजू किया, उसके बाद दो रकात नफिल पड़े और उसके बाद बैठ गया अयास के पास। अयास ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं एक अर्ज करनी आपसे, क्या मेरे बेटे ने आपके साथ कोई गुस्ताखी की? यकीन करो मेरी ये बात सुनना ना, फिर मैं सबसे पहले अपने गिरेबान को देखना, हमें अपनी मोहब्बत का यकीन होगा कि हमारी कितनी होगी। मेरे बेटे ने कोई गुस्ताखी की, आपकी तोहिन की, कोई बात नहीं माना, हुक्म नहीं माने? कहना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा। फिर आपने इससे जब पानी मांगा तो आपने इसका नाम नहीं लिया, आपने कहा ए अयास के बेटे, तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ इस बात को सुनकर। महमूद कहने लगा, ए अयास, तू मेरी हर बात जानता है, तू मेरा गुलाम रहा है, मेरे साथ रहा है, लेकिन एक बात तू नहीं जानता, आज वो भी तू जान जा, तुझे पता है मेरे बेटे का नाम क्या? कहा मोहम्मद। क्या मैं किसी इंसान का नाम भी अगर मोहम्मद हो तो मैं बगैर वजू के नहीं लेता, मैंने पूरी जिंदगी लफ्ज मोहम्मद बगैर वजू के नहीं लिया, इस वक्त मेरा वजू नहीं था और तेरे बेटे का नाम मोहम्मद था, मैंने इसलिए इसे अयास का बेटा कहा, मोहम्मद नहीं कहा, कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मिलता हुआ नाम भी बगैर वजू के नहीं लिया। मोहब्बत तो ये, अल्लाह सब कहते हैं रबीउल अव्वल आ गया, आप अलैहिस्सलाम की नस्बत है।
मैं कहता हूँ शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, ये तो और खुशी की बात है कि मुलाकात का दिन और करीब है। तो मोहब्बत की बात है, हर गुजरते लम्हे हम कब्र के करीब हो रहे हैं। बच्चे समझते हैं उम्र बढ़ रही है जबकि उम्र घट रही है, हम समझते हैं वक्त सीधा चल रहा है, सुइयां चलती ना सीधी, हम समझते हैं सीधा चल रहा है, वक्त सीधा नहीं चल रहा, ये घड़ियां सीधी नहीं चल रही, ये उल्टी चल रही है, ये सीधी नहीं है, अगर सीधी होती तो ये यूं चलती है 12 से 11, 10, ये वक्त को काट रही है, वक्त को गेन नहीं कर रहा है। लेकिन हमारी ख्वाहिश दुनिया है, हमारी ख्वाहिश अपनी ख्वाहिशात है, नफसानी ख्वाहिशात है, हम उसको पूरा करने में लगे हुए और इसी चक्कर में पता ही नहीं चलता उम्र कहां चली गई, पता ही नहीं चलता उम्र कहां चली गई। वो कहते हैं ना, पीरी से नहीं है मेरी कमर में खम कमर, मैं झुक के ढूंढता हूं जवानी किधर गई। वक्त ऐसे निकल जाता है जैसे हाथ से रेत, जैसे धूप में पड़ी बर्फ, और हम आखिर तक यही सोचते हैं कल से शुरू करें। आज गिलानी साहब ने आपको कितनी अहम बातें बताई नमाज के मुताबिक, आप में से मुझ जैसे लोग जो नहीं पढ़ते वो क्या सोचते हैं, कल से बात तो सही है इंशाल्लाह, कल से ये काम करना है, कल से, वो कल कभी नहीं आती। हम पता है हमें बहुत सी चीजें समझ ही नहीं आती, हमें समझ ही नहीं आती, हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहते हैं, हाल में रहते हैं, हम कभी माजी में नहीं रहते, हम कभी मुस्तकबिल में नहीं रहते, इंसान हमेशा हाल में रहता है, और हम अपने हाल को खराब कर देते हैं माजी का सोच के और मुस्तकबिल के अंदेशों के साथ, बस बेवकूफ है। और समझते हम सब ये कि हमें बहुत कुछ आता है, हम बहुत कुछ जानते हैं, इसी तरह बिल्कुल इस्लाम के मुतालिक हम कितना जानते हैं हमें नहीं पता, हमारे किरदार और अखलाक को कैसा होना चाहिए हमें नहीं पता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हम सुनते, जितनी बातें आज यहां की गई हैं आप में से ऐसा एक फर्ज भी नहीं होगा जिसको ये बात नहीं मालूम, सबको मालूम, ये अमल में कैसे आ जाए, बस ये फर्क है, इधर यो नफ्स हावी हो जाता और रूह को दबा देता, इसलिए अमल में नहीं आती है, अमल में लाना बहुत जरूरी है, और अमल में कैसे आ जाए ये बगैर मेहनत के नहीं आती, और ये मेहनत बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नहीं आती। अल्लाह ताला मुझे और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और हर मैं तो अपने साथियों से भी कहता हूँ, हल्के में भी कहता हूँ, दो बातें कहता हूँ हमेशा, हर रबीउल अव्वल को कहता हूँ, 3 दिन से लगा हुआ बहनों में, तो यही एक बात कहता हूं, हर साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो, कोई एक किताब लो खरीदो, मोहब्बत है खरीदो और अपने पास दराज में रखो, अगले साल किसी नए मुसन्निफ की ले लो, उसके बाद किसी तीसरे मुसन्निफ की ले लो, बहुत किताबें, इतनी किताबें जितनी आप अलैहिस्सलाम की सीरत पे किताबें लिखी गई है दुनिया में किसी पर्सनैलिटी के मुताबिक नहीं लिखी है। लेकिन आप मैं और आप अपने घर में जाके देखें तो शायद एक या दो भी जरूरत नहीं है। कुरान कितना अहम है, अल्लाह की किताब है ना, कितना अहम है, हर घर में एक होता है, दो होते हैं, तकिया हर का हर एक का अपना अपना, चादर हर एक की अपनी अपनी, कपड़े हर एक के अपने अपने, यहां तक कंघा भी अपना अपना, ब्रश भी अपना अपना, टूथपेस्ट भी अपना अपना, हर चीज अपनी अपनी, कुरान साझा, क्यों अपना क्यों नहीं, ताल्लुक कुरान से क्यों टूट रहा है, इसलिए टूट रहा है कि अपना कुरान ही नहीं, कुरान से अपनी नस्बत ही नहीं लगते, कुरान भी साझा नहीं होना चाहिए, अब ये कुरान सही है क्योंकि बरकत के लिए रखना है, पढ़ना थोड़ी है। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यकीन करें बहुत से घरों में है ही नहीं। एक किताब है रहीकुल मख्तूम, मौका मिले खरीदें उसको और पढ़ें, बेहतरीन किताब है। ये जब सदी बदली थी तो उस सदी पर एक पूरी दुनिया में मुकाबला हुआ था सीरतुल नबी पर,
अली मियां इंडिया के रहने वाले हैं, उन्होंने ये किताब लिखी थी रहीकुल मख्तूम के नाम से। हालांकि वो हिंदुस्तानी थे, अहले ज़ुबान नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रहीकुल मख्तूम लिखी अरबी में, उसका उर्दू तर्जुमा मिलता है, आप वो ज़रूर पढ़ो। वो नहीं मिले तो रहमतुल आलमीन पढ़ना यार, वो बहुत अच्छी किताब है। और बहुत सारी किताबें हैं, इससे आपकी रूह मजबूत होगी, आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और रसूलुल्लाह सल्लम के जरिए से अल्लाह से राबता मजबूत होगा। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में मुझे और आपको कामयाबी अता फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन आप, मैं और आप अपने घर में जाके देखें तो शायद एक या दो की जरूरत नहीं है। कुरान कितना है, तमाम على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل بالأخل وتنفرج بالكرب وتغزى بالحوائب وتنال بالغائب وهسط الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما لم يلد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتفضيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار رحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. يا إله العالمين يا رب ذو الجلال والإكرام اپنے فضل اور کرم سے ہمارے آج کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ جو کچھ ہم نے یہاں پڑھا اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کلمات کہے اے اللہ جو نعتیں پڑھی اے اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اور ان کی برکات اور فیوض سے ہم سب کو نواز دے. اے اللہ ان کی برکت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے, آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ آپ علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والا بنا دے. اے اللہ جن باتوں سے آپ نے منع فرمایا ان سے رکنے والا بنا دے, جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا وہ کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری دنیا کو بھی سنوار دے, اے اللہ ہمارے دین کو بھی سنوار دے, اے اللہ ہماری موت کو بھی سنوار دے, اے اللہ ہماری آخرت کو بھی سنوار دے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے اے اللہ آب کوثر پینا نصیب فرما دے, پورے صراط پر بجلی کی تیزی سے گزرنا نصیب فرما دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. بارِ الٰہی ہماری مغفرت فرما دے,
ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, ہمارے بہن بھائی عزیز و اقارب کی مغفرت فرما دے, ہمارے دوست احباب ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت فرما دے, ہمارے جاننے والوں کی مغفرت فرما دے, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے اس اسپتال کے جتنے بھی ملازمین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جو طلبہ اس اسکول کے, جو طلبہ اس اسکول کے, جو اساتذہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما دے. اے اللہ جن لوگوں نے خصوصیت سے دعاؤں کی درخواست کی یہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, اے اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما دے, ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما کر عطا فرما دے. بار الہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی اپنے سے راضی فرما لے. یا اللہ دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے, دین دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے, ہمارے ماں باپ کی اصلاح فرما دے, ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما دے, ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے, ہمارے عزیز و اقارب کی اصلاح فرما دے, ہمیں پورے کا پورا دین میں داخل فرما دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ہمیں عطا فرما دے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کردار ہمیں عطا فرما دے, ہمیں ویسا کر دے جیسا دیکھ کے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو. اے اللہ وہ ساری چیزیں وہ ساری باتیں وہ ساری عادتیں جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے اللہ وہ ہم سے دور فرما دے. اے اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت میں اپنے مقربین میں شامل فرما, لاٹے چہیتے بندوں میں شامل فرما. اے اللہ دین دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب کر. اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں رزق عطا فرما, اے اللہ ہمیں علم کا رزق عطا فرما دے, ہمیں صحت کا رزق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں کھانے کا رزق عطا فرما دے, لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ملنے کا رزق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق کا رزق عطا فرما دے. اے اللہ جتنے بھی رحمتیں برکتیں دنیا میں تو نے رکھی ہیں اور آخرت میں تو نے رکھی ہیں, بار الہ وہ تمام کی تمام اپنے فضل اور کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہمیں نصیب کر. اے اللہ اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما کر عطا فرما. آپ علیہ السلام و سلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں جتنی بھی خیر و عافیت کی دعائیں مانگی ہیں بار الہ تو نے قبول فرمائی ہیں. اپنے فضل اور کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے وہ تمام کی تمام دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و مقبول فرما کر عطا فرما. جن شرور اور فتنوں سے, جن خرابیوں سے, جن گمراہیوں سے, جن اندھیروں سے, جن پستیوں سے, جس شرک اور کفر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ چاہی, تو نے اپنے فضل اور کرم سے انہیں عطا فرمائی. یا رب ذل جلال والاکرام اپنے فضل اور کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان تمام باتوں اور چیزوں سے بچا کر ہمیں اپنی پناہ عظیم نصیب کر, ہمیں بھی اپنی رحمت کاملہ میں ڈھانپ. اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے اس اسپتال کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے اس ادارے کی حفاظت فرما, اے اللہ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما, اے اللہ اس کی خرابیوں کو دور فرما. اے اللہ جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اللہ دامے دھرنے سکھنے اس ادارے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما, ان کے دین دنیا اور آخرت کے کاموں کو اچھا کر. اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں مریضوں کی خدمت میں لگے ہیں, اس اسکول سے جتنے بھی بچے پڑھ کے جا رہے ہیں, اے اللہ ان سب کو علم نافع عطا فرما دے, ان سب کے دل میں اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا دل عطا فرما دے, لوگوں کی خدمت کرنے والا دل عطا فرما دے, لوگوں کے کام آنے والا دل عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے اسپتال کی جو بھی ضرورتیں عافیت کے ساتھ ان ضرورتوں کو پورا فرما, اے اللہ اس کو قیامت تک سرسبز و شاداب اور آباد فرما, اور پوری امت محمدیہ کو اے اللہ اس سے مستفیض کر. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين امين امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين
حمدن جو في نعمه هو يكافي مزيده اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات.